आप अभी तक रेडी नहीं हो। बाबा गाड़ी निकालने लगे हैं यार, सब इंतजार कर रहे हैं और ऊपर से ज़ारा भी मैसेजेस किए जा रही है। वैसे आपी, मैं तो कहूँगी आप ना बहुत लकी हो, इतना प्यार करने वाला ख़ानदान मिल रहा है। और शामी भाई, वो तो आपकी बहुत कदर करेंगे, फिर आपने हमारी तरफ मुड़कर देखना भी नहीं है। आपी, क्या हुआ, कहाँ खोई भी हो? अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, ये ना हो कि अम्मी अबू आए बुलाने के लिए। अच्छा, आपी, ट्रस्ट मी, आप बहुत खुश रहेंगी। सो टेंशन ना ले, बस जल्दी से तैयार हो जाए। ये क्या बदतमीजी है? अब क्या गलती कर दी मैंने? नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। मेरी तरबियत में ही कमी है। आपने उसे क्यों बुलाया? क्या मतलब है उसे क्यों बुलाया? शौहर है वो तुम्हारा। मेरा शौहर है ना, जब मैं नहीं मिलना चाहती तो आपने उसे यहां क्यों बुलाया? क्यों ना बुलाती उसे? सारा खानदान इकट्ठा है, इस घर का बड़ा दामाद है वो। घर का बड़ा दामाद? सायरा, सालों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। खुदा के वास्ते कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। हाँ सही है, मैं नहीं आती बाहर। वैसे भी ना तो आपको मेरी खुशियां नजर आती हैं और ना ही आपको किसी चीज से गर्ज है। आप लोग बैठे खुशियां मनाएं। और तुम्हें भी अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। किसी की भी खुशी, गम, तकलीफ से कोई गर्ज नहीं है तुम्हें। सही कह रही हैं, मैं ही खुद गर्ज हूं। जाएं, आप लोग जाकर खुशियां मनाएं। बस सायरा, मानूर के घर वाले आने वाले हैं और तुम मुझे सबके साथ बाहर नजर आओ। मेरे बेटे की खुशी में बदमजगी मत पैदा करना। नदीम जब तक बैठा है मैं नहीं आऊंगी। जिद मत करो, बाहर आओ। ये लड़ाई झगड़े अपने घर जाके करो।